शरद पवार ने उद्धव ठाकरे के सामने समर्थन देने की शर्त रखी थी। शर्त थी बीजेपी से गठबंधन तोड़ने की। अरविंद सावंत ने मोदी सरकार से अपना इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन गठबंधन तोड़ने का ऐलान उद्धव ठाकरे ने अब तक नहीं किया। सवाल ये कि क्या उद्धव दो नावों की सवारी करना चाह रहे हैं? जब उन्हें सोनिया और पवार का साथ चाहिए तो मोदी से नाता तोड़ना ही होगा और इसका कायदे से ऐलान करना होगा। इस्तीफा देने के बाद अरविंद सावंत से यही सवाल किया गया तो उन्होंने इतना ही कहा कि मेरे इस्तीफे से अंदाजा लगा लीजिए। तो क्या इसी अंदाजे पर शरद पवार और सोनिया गांधी ये मान लेंगे कि उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से अपने सारे रिश्ते खत्म कर लिए हैं? माना जा रहा है कि जब तक उद्धव इस बात का ऐलान नहीं करेंगे कि गठबंधन खत्म, बीजेपी से सारे रिश्ते नाते खत्म, तब तक कांग्रेस और एनसीपी कैसे मानेगी? जब तक उद्धव नहीं बताएंगे कि रिश्तों का जलता दीपक अब चिंगारी बनकर सब कुछ राख कर चुका है, तब तक सोनिया गांधी कैसे समझ जाएंगी? अपने आप को साबित करने के लिए उद्धव को इतना तो करना ही चाहिए। आखिर मामला सीएम पद का है, जिसके लिए वो सोनिया गांधी और पवार के सामने शीर्ष आसन कर रहे हैं।